हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी टूर। दोस्तों आज मैं आया हूँ कल्याण वेस्ट में, खड़कपाड़ा एरिया में, और यहाँ पे मैं आज आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही शानदार 2 BHK फ्लैट। ये फुली फर्निश्ड फ्लैट है और इसका जो एरिया है वो है 1030 स्क्वायर फिट बिल्ट अप एरिया है। और इस फ्लैट के साथ आपको पूरा फर्नीचर भी मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको बड़ी सी टेरेस और एक स्टडी रूम भी मिलता है आपको। तो दोस्तों ये है लिविंग रूम, काफ़ी बड़ा और सुंदर सा लिविंग रूम है आप देख रहे हैं। बात करते हैं मेन डोर की, तो ये मेन डोर भी काफ़ी मजबूत लकड़ी का बनाया गया है और जो लॉक्स की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लॉक्स लगाए गए हैं। और मेन डोर के साथ ही आपको एक सेफ्टी डोर मिल जाता है जो लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा एक सेफ्टी डोर है। इसमें लैच दिया गया है, तो इस तरह से आपको सेफ्टी डोर और मेन डोर दोनों मिल जाता है। तो दोस्तों ये फुली फर्निश्ड फ्लैट आपको मिल रहा है कल्याण के खड़कपाड़ा एरिया में, और स्टेशन से ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लिविंग रूम के साथ अटैच एक टेरेस मिलती है, बहुत ही खूबसूरत टेरेस है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मॉस्किटो नेट लगाई गई है पूरा। आपको बड़ी सी एक फ्रेंच विंडो मिलती है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी टेरेस है। दोस्तों इसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ से आपको गार्डन का व्यू मिल जाता है, सामने देख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा गार्डन बना है। और यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस पार्किंग मिल जाती है, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। दोस्तों ये टेरेस के साथ आपको एक वॉशिंग एरिया मिल जाता है, आप देख सकते हैं नीचे फर्नीचर बनाया गया है, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है और स्टेनलेस स्टील का सिंक लगाया गया है। तो ये एक सेपरेट एरिया है जहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। इस वॉशिंग एरिया में आपको एक वाटर टैंक भी मिलता है। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आपको गैस की पाइपलाइन भी मिलती है। दोस्तों गैस की पाइपलाइन यूज़ करने से आपका जो गैस बिल है वो काफ़ी कम आता है। तो ये था दोस्तों एक टेरेस जो आपको इस फ्लैट के साथ मिलता है, बहुत ही शानदार टेरेस है दोस्तों। सो दोस्तों दिस इज़ अ 2 BHK रीसेल फ्लैट इन कल्याण खड़कपाड़ा एरिया। चलिए अब चलते हैं बाकी के रूम्स देखने के लिए। मैं फिर से आपको लिविंग रूम दिखाता हूँ दोस्तों। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। दोस्तों इस तरफ आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के पास में आपको एक क्रॉकरी यूनिट मिल जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फुली मॉड्यूलर किचन मिलता है, पूरी तरह से बनाया हुआ किचन। यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी का फर्नीचर यूज किया गया है। यहाँ पे भी आपको स्टेनलेस स्टील का ट्रॉलीज मिलती है, ये सब रिमूवेबल ट्रॉलीज हैं, इसे आप निकाल सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। सुंदर सी स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, काफ़ी अच्छी हवा आती है यहाँ पे, वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। पूरा जो वुडन फर्नीचर है इसके अंदर काफ़ी जगह है सामान रखने के लिए। दोस्तों किचन की वॉल्स अगर आप देखोगे तो ये जो टाइल्स हैं ये इम्पोर्टेड टाइल्स लगाई गई हैं। दोस्तों किचन में आपको फैन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक फॉल सीलिंग मिलती है। और देखते हैं अब हम बेडरूम्स एंड वॉशरूम्स। तो दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा पहला बेडरूम, फुली फर्निश्ड बेडरूम मिल रहा है। दोस्तों बेडरूम में भी आपको एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है, बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिल जाता है गार्डन का। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको पूरा बेडरूम मिल रहा है। ये बेडरूम में आपको बॉक्स पलंग भी मिल रहा है, प्लस दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्लाइडिंग वार्डरोब है जो फिट किया गया है, ये भी आपको बेडरूम में मिल रहा है। ऊपर ही यहाँ पे स्टोरेज की जगह दी गई है और यहाँ पे भी अपना सामान स्टोर करके रख सकते हो। दोस्तों बेडरूम के सामने ही एक वॉशरूम दिया गया है,
यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाता है एंड प्लस आपको गीजर भी मिल जाता है यहाँ पे। ऊपर तक टाइल्स दी गई है बाथरूम में, तो बहुत ही खूबसूरत टाइल्स हैं। अंदर वॉश बेसिन मिल जाता है और ये जो फिटिंग्स दी गई है ये भी ब्रांडेड कंपनी की फिटिंग्स दी गई है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिल जाता है। ये है 500 लीटर की टैंक, इसमें आप पानी स्टोर करके रख सकते हो, इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो उस पानी को। हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में, तो ये है अपना मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में आप एंटर करोगे आपको राइट साइड में एक वॉशरूम मिल जाता है, इसमें भी आपको एक गीजर मिल जाता है फिट किया हुआ। आपको एक टैंक मिल जाता है पानी का वॉशरूम के ऊपर। तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा बेडरूम बनाया है पूरा फुली फर्निश्ड। यहाँ पे भी आपको बेड एंड वार्डरोब्स मिल जाते हैं। ये जो वार्डरोब है ऊपर तक गया है, इधर भी स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह दी गई है। प्लस आपको यहाँ पे एक क्वीन साइज बेड मिल जाता है, ये बॉक्स बेड है, इसमें आप अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक कैबिनेट मिल जाता है जिसमें एक फुल साइज मिरर दिया गया है। और ये जो बेडरूम की सीलिंग है यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है। तो दोस्तों ये है 2 BHK का रीसेल फ्लैट, फुली फर्निश्ड फ्लैट है ये, कल्याण वेस्ट में खड़कपाड़ा एरिया में। दोस्तों इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच रूम मिल जाता है, इसे आप एज अ ऑफिस यूज़ कर सकते हैं या एक वर्किंग एरिया की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो मिलती है, काफ़ी बड़ी फ्रेंच विंडो दी गई है, आप देख सकते हैं ऊपर तक जा रही है विंडो, और सभी विंडोज में बॉक्स ग्रिल लगाए गए हैं। प्लस यहाँ पे भी आपको एक मॉस्किटो नेट मिल जाती है, और यहाँ से व्यू जो आपको मिलता है ये भी बढ़िया व्यू मिल रहा है आपको गार्डन का। ऊपर की सीलिंग पे काफ़ी अच्छी वुडन फिनिश दी गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सीलिंग है यहाँ पे। तो दोस्तों एक प्रॉपर ऑफिस की तरह बनाया गया है, तो घर के अंदर ही आप ऑफिस बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी में तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। और ये फ्लैट जो आता है ये खड़कपाड़ा वेस्ट में आता है, इस सोसाइटी का नाम है गोकुल नगरी एनएक्स। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का एरिया कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आ जाती है आपकी लिफ्ट। चलिए अब चलते हैं बिल्डिंग के बाहर और देख लेते हैं बाहर का व्यू भी। तो दोस्तों हम बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं, आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखिए हम इस बिल्डिंग में गए थे और ये जो फ्लैट हमने देखा था ये 1st फ्लोर पे था। यहाँ पे ओपन पार्किंग दिया गया इस तरफ, और अगर आपके पास बाइक्स वगैरह है तो आप आराम से खड़ा कर सकते हैं बाइक्स को उस तरफ। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन दिया गया है। गोकुल नगरी एनएक्स इस सोसाइटी का नाम है और ये आता है खड़कपाड़ा एरिया में, कल्याण वेस्ट में। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फ्लैट को बाय करने में तो इस फ्लैट की जो कॉस्ट है वो है 1.5 करोड़। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियोस डालूं आप लोग को उसका अपडेट मिल जाए। चलिए मैं आपको बाहर का रोड भी दिखा देता हूं। इस सोसाइटी के बाहर जो रोड है उसका भी आपको एक व्यू दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पे आपको बहुत सारे स्कूल्स मिल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस और सुपरमार्केट्स, हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डेंटल क्लिनिक्स। तो यहाँ पर सभी तरह की सुविधा दी गई है, काफ़ी प्राइम लोकेशन भी आती है ये प्रॉपर्टी। ये देखिए दोस्तों हम लोग इस सोसाइटी में गए थे, गोकुल नगरी एनएक्स, ये पूरी सोसाइटी। यहाँ पे मैं आपको शॉप्स भी दिखा देता हूँ आसपास के। यहाँ पे आपको किराना स्टोर मिल जाता है, यहाँ से आप ग्रॉसरीज ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, ये मेन रोड आ गया। तो मेन रोड जस्ट 100 मीटर्स की दूरी पर है, रोड की जो चौड़ाई है वो 90 फीट की है,
काफ़ी बड़ा रोड दिया गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी शॉप्स आपको मिल जाती हैं। और हम यहाँ पे गए थे गोकुल नगरी में, और गोकुल नगरी एनएक्स में हमने 2 BHK का रीसेल फ्लैट देखा था। और ये कल्याण वेस्ट में आता है, खड़कपाड़ एरिया में। सामने आपको हॉस्पिटल दिख रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जैसे आइसक्रीम पार्लर, केक शॉप, ज्वेलरी की दुकान है, यहाँ पे ATMs हैं, बैंक्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।